नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विक्टेड आप स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर कल आपने एक वीडियो बनाई थी और उसमें आपने ये बताया था कि 100 बच्चों ने जॉब छोड़ दिया। तो क्यों जॉब छोड़ दिया? BSF की जॉब प्रोफाइल में ऐसा क्या है कि बच्चे वहां जॉब नहीं कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं? 100 बच्चे छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इतनी मुश्किल से तो सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन के बाद अगर जॉब छोड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। क्या रीजन, उसके बारे में बताने वाला हूं। कितने घंटे काम करना पड़ा है, जॉब प्रोफाइल के बारे में बताने वाला हूं, कि रहना खाना फैमिली वगैरह सब कुछ, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, ओवरऑल सारी चीजें बताऊंगा। आप अपने आप से खुद देख लेना मेरे भाई, क्या आपको जॉब पसंद आएगी कि नहीं पसंद आएगी। ठीक है, 100 लोग क्यों छोड़े आपको खुद रीजन पता चल जाएगा। ठीक है, उससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारा बैच आ चुका है और ये बैच आपको फ्री में मिल सकता है। फ्री में कैसे मिल सकता है उसके बारे में बता देता हूं। यहां पर सबसे पहले आप लोग करना क्या, स्टेप क्या फॉलो करने। सबसे पहले हमारा कल संडे है, कल संडे को सुबह 11 बजे से, ठीक है, सुबह 11 बजे से लेकर आप सभी का शाम को 4 बजे तक, ठीक है, शाम को 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक हमारा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है हमारे एप्लीकेशन पे। तो आपको ये स्टेप फॉलो कर लेना। सबसे पहले स्टेप वन क्या है हमारा, कि आप सभी को डाउनलोड करना है द विक्टेड एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, लिंक मैं दे दूंगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में। स्टेप टू है कि वहां पर पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉग इन करना है। जैसे आप लॉग इन करोगे तो आपको CAPF बैच दिखेगा, ऐसा एक बैच दिखेगा, ऐसा पोस्टर दिखेगा, इस पोस्टर पे आपको जाना है। जैसे आप इस बैच में जाओगे आपको वहां पर ऊपर स्लाइड करना है, स्लाइड करोगे ऊपर साइड बना रहेगा कि वीडियो वगैरह, रिकॉर्डेड वीडियो वगैरह, टाइम टेबल वगैरह सारी चीजें बना रहेगा। वहीं पर आपको टेस्ट सीरीज का ऑप्शन दिखेगा, टेस्ट सीरीज के ऑप्शन पे आप सबको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप टेस्ट सीरीज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे वहां पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज दिख जाएगा और आपको टेस्ट सीरीज करना है। और जो भी बच्चे रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3 लेके आएंगे उनको बैच फ्री मिलेगा, कोई पैसा नहीं देने की होते, ठीक है। और जो बच्चे बैच से जुड़ना चाहते हैं ऐसे ही हमारे बैच से, तो यहां पर क्लासेस शुरू हो चुकी है, मात्र 499, बहुत अफोर्डेबल प्राइस है और इस प्राइस में आपको सब कुछ मिल रहा है, तो बहुत कुछ मिल रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने मुद्दे पे भाई, कि भाई ऐसे जॉब क्यों छोड़ रहे हैं, क्या क्या रीजन है भाई इसके पीछे, जॉब छोड़ दे रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा है कि 100 लोग जॉब क्यों छोड़ दे। सबसे पहला रीजन ये होता है कि इंसान की चॉइस क्या होती है। जब जस्ट सिंपल सी बात है, मैंने भी जॉब छोड़ी, मैंने भी 2 साल जॉब की, उसके बाद जॉब छोड़ी, मेरे पास चॉइस थी कि मेरे पास अपने घर के पास जॉब मिल रही है, अपनी फैमिली को देखने का मौका मिल रहा है, अपनी फैमिली साथ रहने का मौका मिल रहा है, अगर जो टाइम मिल रहा है उसको मैं कहीं और यूटिलाइज भी कर सकता हूं। मगर फौज में क्या होता है, फौज में सिंपल सी बात है, अगर फौज में आ जाते हो तो केवल 75 डेज के लिए आप घर आते हो, उसके बाद जितने भी दिन बचते हैं आप सभी के, दिन 365 दिन होते हैं, 75 डेज यहाँ पर, उसके बाद 290 दिन आप सभी का क्या होता है, आपका फौज में हो जाता है। तो होता क्या है कि इंसान को ये लगता है कि अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं रहे। मगर सिंपल सी बात ये समझनी चाहिए फौज को फॉर्म भरने से पहले, कि आप फौज में जा रहे हो तो फौज के रूल रेगुलेशन तो होंगे। तो कुछ लोग जॉब छोड़ते जो है वो जॉब खराब होने की वजह से नहीं छोड़ते हैं, उनको चॉइस मिल जाती है कि भाई मेरे यहाँ सिलेक्शन हो रखा है, मेरे घर के पास है, मेरा सिविल में, मैं यहाँ और भी काम कर सकता हूँ, पढ़ाई कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें, तो उस वजह से लोग छोड़ते हैं। अधिकतर लोग जो है 80% लोग जो है वो इसी वजह से छोड़ते हैं। अब आ जाते हैं 20% लोग। 20% लोग कौन होते हैं जो जॉब छोड़ते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो 20% वो लोग होते हैं जो अपनी थोड़ी उम्मीद जो है वो अलग लगा के जाते हैं, उनको ये लगता है कि वो फोर्स नहीं है, कहीं और जा रहे हैं, सिविल में जॉब करने जा रहे हैं। मगर फोर्स कैसे चलती है आप सभी पता है ना, फोर्स कैसे चलती है, डिसिप्लिन से। अगर डिसिप्लिन ही नहीं होगा फोर्स में तो फोर्स बिखर जाएगी, कोई किसी की बात ही नहीं मानेगा, कमांडिंग ऑफिसर की बात ही नहीं मानेगा तो फौज चलेगी कैसे। अगर सीधी सी बात है, अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो फौज भी सेम इसी रूल पे काम करती है कि बड़े होते हैं, बच्चे होते हैं, बड़े बच्चों को बताते हैं कि आपको ऐसा काम करना है, आप ऐसा काम करो, सारी चीजें सही चलेंगे। और इस हिसाब से फौज हमारी चल रही है और दुनिया में सारी जगह ऐसा ही चल रहा है, डिसिप्लिन से काम हो रहा है। अपनी लाइफ में आप सक्सेस भी चाहते हो तो डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा। तो कुछ लोग होते हैं जो डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहते, उनको लगता है कि वो भाई राजा बन गए हैं, फौज में जाते हैं। मगर आप सोचो, आप सिंपल सा एक एम्प्लॉई हो और उसके आपके ऊपर भी कोई इम्प्लॉय है और उनके ऊपर भी कोई इम्प्लॉय, सारे इम्प्लॉय हैं, एक बार नौकरी करके रिटायर होकर चले जाना है। मगर कुछ लोगों की मेंटेलिटी ये होती है, नहीं भाई हम तो राजा हैं, हम राजा रहेंगे, रील्स वगैरह देख लेते हैं। तो भाई रील्स वगैरह देख के नहीं, जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको उस चीज़ पर करना पड़ेगा। तो कुछ लोग ऐसे छोड़ते हैं। अब कुछ लोग आ जाते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में कि सर इसमें काम बहुत ज़्यादा होता है, काम बहुत ज़्यादा होता है। देखो काम होता है भाई, रिस्पेक्ट भी तो होती है, सैलरी भी तो होती है, इस बात को आप नहीं देख रहे हो। सैलरी कितनी मिल रही है आपको, इनिशियल पे आप सभी को 50-55 हज़ार रुपये मिल रहा है अभी स्टार्टिंग में। जैसे आप सर्विस ज्वाइन करोगे 50-55 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी, प्राइवेट में आपको कहाँ मिलेगी, 10 हज़ार की नौकरी ढूंढना प्राइवेट में बहुत मुश्किल हो जाता है, ऊपर से सिक्योरिटी नहीं रहती है। यहाँ पर आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है आप सभी को, ठीक है, आपकी फैमिली को मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, आपको LTC मिलता है, लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है, आप जाते हो आते हो उसका पैसा कटता है, ठीक है, मतलब पैसा मिलता है आप सभी को, ठीक है। अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो मैटरनिटी लीव, पेटर्निटी लीव मिलती है आप सभी को, ठीक है। वहाँ पर आपके बच्चों के पढ़ाई का पैसा मिलता है आप सभी को, जो चाइल्ड केयर अलाउंसेस होते हैं वो मिलते हैं, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलते हैं,
बच्चा अगर हॉस्टल में पढ़ता है तो हॉस्टल सब्सिडी मिलती है, दो बच्चे तक मिलती है आप सभी की। अगर जुड़वा हो जाते हैं तो जुड़वा बच्चों को, अगर ट्विन्स है तो ट्विन्स को मिलेगा, तीन बच्चे हुए लगा तीनों को मिलेगा, उसकी कंडीशन होती है, वो सारी फैसिलिटी मिल रही है आपको, समाज में एक अलग सम्मान मिल रहा है। जब इतनी सारी चीजें मिलेंगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो मिलेगी आप सभी को। तो कुछ बच्चे जो होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने लगते हैं, यार रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑफिस में काम करना है, जिसको काम नहीं आएगा उसको दिक्कत होगी, जिसको काम आएगा उसको कोई दिक्कत नहीं। तो जॉब में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे बोलते हैं सर इसमें जॉब प्रेशर बहुत है, प्रेशर क्यों होगा, प्रेशर क्यों होगा, काम नहीं आएगा तो प्रेशर होगा। अगर मैं मैथ की कोई प्रॉब्लम आपको लिख दूं, अगर आपकी मैथ की प्रॉब्लम आपको नहीं आती है तो सिंपल सी बात है आपको प्रेशर लगेगा कि ये मुझे क्यों नहीं आ रहा। जब काम आप सीख जाओगे तब आपको प्रेशर नहीं लगेगा। उनसे पूछो जो नौकरी कई सालों से कर रहे हैं, अगर आप शुरू में जाओगे स्टार्टिंग में आपको काम नहीं पता है, ऑफिसर की ऑफिस की जो प्रोसीडिंग है नहीं पता आप सभी को कि कैसे लेटर बनेगा, कैसे आप सभी का इंटर ऑफिस नोट बनेगा, कैसे आप किसी चीज को प्रोसीड कर रहे हो, कैसे फाइल अरेंज कर रहे हो, तो वो सारी चीजें सीखनी पड़ेगी और सीखने के लिए आप सभी को छोटा बनना पड़ता है। और जो लोगों से छोटा नहीं बन पाते उनको प्रॉब्लम होती है। बाकी ऑफिस का बिहेवियर सब सेम होता है, सारे इंसान ही होते हैं वहां पर, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भगवान बन के बैठा हुआ है। तो वो सारी चीजों से प्रॉब्लम होती है। कितने घंटे काम करना पड़ता है, काम के लिए कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपको 12 घंटे बैठे काम करना है, ठीक है। आपका सीट का काम होता है, अपनी सीट का काम कर लो। हम भी अपने इवन मैं बताऊं मैं अपनी सीट का काम करके क्रिकेट भी खेल लेता था वहां पर। अब लोग सर आप तो झूठ बोल रहे हो, नहीं बिल्कुल रियल बात है कि मैं क्रिकेट अपना सीट काम करके वहां क्रिकेट भी खेल लेता था मैं। सोचो इतनी इतनी ज्यादा मुझे वहां पर वो इज्जत मिलती थी। जब मैं बटालियन में था, 48 बटालियन में था, वहां पर मुझे इतनी ज्यादा इज्जत मिलती थी जब मैं ऐसे गुजरता था, सब मुझे राम राम कहते थे। हेड कांस्टेबल तो था ही, ऊपर से मिनिस्टर था, ऑफिस के मेन ऑफिस में बैठता था, सीट पर बैठता था मैं वहां पर, इतने बैठता था। तो इतनी ज्यादा इज्जत मिलती थी यार, सर आप सब राम राम बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं सर मेरा ये काम अटका। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जो सबकी भलाई का काम है। तो अगर आप काम करने वाले हो, मेहनती हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत वहां पर इनको होती है जो थोड़े से आलसी होते हैं, जो अपने आप को, मगर जान लो अब वो लोग जो होते हैं जो भड़काने वाले होते हैं वो ऐसे ही भड़काते हैं कि यार नौकरी अच्छी नहीं है। वो खुद करेंगे, वो खुद करेंगे, वो खुद नहीं छोड़ेंगे, मगर दूसरे लोगों को भड़काएंगे यार नौकरी अच्छी नहीं है। बोलते हैं ना, जो खुद नहीं जीते हैं दूसरे को भी नहीं जीने देते। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको, तो उनसे घबराना नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के देखो, नौकरी में कोई खराबी नहीं है, मगर नौकरी अलग अलग इंसान के हिसाब से बनी हुई है। हो सकता है आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए नहीं बने हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं झेल पा रहे, फौज के रूल रेगुलेशन नहीं झेल पा रहे हो, तो आपको खराब लगेगा। कुछ लोग के लिए इंजॉयमेंट होती है, फ्री का खाना मिल रहा है, खाना मिल रहा है आपको वहां पर, ठीक है। राशन में नहीं भी मिलती है, राशन में नहीं मिलती है आपको, ऐसा नहीं है कि आपको खाने का पैसा नहीं मिलता, आपको एचआरए मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है आप सभी को, ठीक है। अगर आप कहीं जाते हो अदर जगह, तो वहां पर आपको ट्रेवल अलाउंसेस मिलता है, टीए मिलता है आप सभी को, यानी इतनी सारी फैसिलिटी मिलती है आप सभी को, क्या बताऊं मैं आप सभी को, ठीक है। अगर ऊपर से रेलवे में रिजर्वेशन होता है हमारा, अगर यहां से करोगे तो मतलब इसकी अलग से वेबसाइट होती है, ठीक है, वहां वेबसाइट से करोगे तो वहां से रिजर्वेशन भी मिल जाएगा आपको जल्दी आसानी से। वर्दी का शौक तो अलग ही है, मतलब कि कुछ खराबी नहीं है, बस यहाँ दिमाग में खराबी, हर इंसान के हिसाब से अलग अलग खराबी है। अब यहाँ पर बच्चे ये भी बोलते हैं सर कि तब छोड़ क्यों रहे, छोड़ने का रीजन सिंपल सी बात है, अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से। किसी को लगता है कि मैं जॉब के लिए सुटेबल नहीं हूं, मैं इससे अच्छा कर सकता हूं, मैं कुछ और कर सकता हूं, मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है। किसी को लगता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पा रहा, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा। क्या इस जॉब में क्या आपको बॉर्डर पे नौकरी करनी है? बॉर्डर पे बिल्कुल नौकरी नहीं करनी, आपको करना ऑफिस के अंदर ही है, आपको बढ़िया ऑफिस के अंदर काम करना है। मगर इंसान इंसान की बात हो जाती है ना, किसी को अच्छा लगता है ऑफिस का काम, किसी को ऑफिस का काम नहीं अच्छा लगता, उसको लगता है कि क्या पेपर वर्क करते हैं, क्या फाइल इधर उधर जा रही, किसी को नहीं पसंद आता, किसी को पेन चलाना नहीं पसंद है, जो शुरू से नाम निकम्मा इंसान है उसको कैसे पसंद होगा। तो कुल मिला के काम में कोई खराबी नहीं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने क्यों छोड़ी, तो मैं इसके बारे में अलग से वीडियो में डिस्कशन करूंगा कि मैंने क्यों छोड़ी जॉब, मेरे पीछे रीजन क्या था, क्या मैं उन लोगों में से था जो काम से डरते थे, या मैं उन लोगों में से था जो जिंदगी में कुछ और करना चाहते थे, या फिर मुझे जॉब अच्छी नहीं लगती थी। बहुत सारे पैरामीटर है जिसपे मैं आप सभी को बताऊंगा कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी। तो मेरे हिसाब से जॉब में कोई खराबी नहीं, लोग चाहते हैं जॉब करना, मगर 100 लोग जो जो है वो अलग अलग कंडीशन हिसाब से वो ये सोच के जाते हैं कि उन्हें राजा बना के भेजा जाएगा, या फिर उनको लगता है कि कुछ और जॉब अच्छी है मेरे लिए, मेरे लिए सिविल जॉब अच्छी है, मैं ये करूंगा तो मेरे लिए बेटर होगा, मेरे लिए फ्यूचर यहां पर ज्यादा अच्छा है, बेटर है। तो हर इंसान अपना अपना प्रॉफिट देखता, सिंपल सी बात है, अपना प्रॉफिट देता है, सबसे जॉब छोड़ता। तो जॉब जो छोड़ी गई है, जॉब खराब होने वजह से नहीं छोड़ी गई है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियों या फिर अपनी अपनी जो डिमांड होती है उसके हिसाब से छोड़ी गई, ठीक है। तो आप तैयारी करो, मन लगा के, जितने बच्चे हैं बिल्कुल भी जॉब के बारे में सोचो, फैमिली वैमिली रखने का सब कुछ मिल जाता है, मैंने बता देना, बच्चों की पढ़ाई का पैसा मिलता है, मैं ये काम मैं खुद करता था बच्चों का, ठीक है, पेंशन वेंशन सब मिलेगी आप सभी को, एनपीएस है, कोई बात नहीं, मिल जाता है पैसा अच्छा खासा इसमें भी, ठीक है। और क्या क्या कह सकते हैं यार, सब कुछ है जॉब में यार, ऐसा कुछ नहीं। सैलरी 55,000 तुम समझ सकते हो, 50,000 से 55,000 मिल रही है, आप सिविल में जाके आप देख लो 2400 ग्रेड पे में कहां आपको मिल जाएगी इतनी पे सैलरी, नहीं मिल पाएगी। और खर्चा कुछ होना नहीं होता फौज में, फौज में क्या ही खर्चा होता, कोई खर्चा नहीं होता आप सभी का, बढ़िया 75 दिन छुट्टी मिलती है, मैं तो खुद आता था 30-30 दिन की छुट्टी लेके आता था, मैं 20-20 दिन की छुट्टी लेके आता था, मैं घर पे आराम से 20 दिन रहता हूँ, आराम से अपना काम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है,
20 दिन कोई कुछ आपसे बोलने वाला नहीं है कि क्या काम हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा, बढ़िया जॉब होती है, ठीक है। तो जो बच्चे जॉब बैच फ्री में चाहते हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि जॉब की तैयारी करना चाहते हैं बढ़िया से, तो इस बैच में जुड़ सकते हैं। मात्र 499 में आप सभी का है, कोई समस्या नहीं होने वाली, सारी चीजें इसमें मिलने वाली है। जो बच्चे फ्री में चाहते हैं वो 3 बच्चों को मिल जाएगा। मैं हर संडे हम कराने वाले हैं, आप इस संडे देख लो, जो मतलब जो बच्चे मेहनती हैं, मैं मेहनती बच्चों को ही देना चाहते हैं, जो अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके अंदर थोड़ा है दम, वही बच्चे आए। इसमें रैंक 1 रैंक 2 को मिल जाएगा, हमारा रैंक 1 3 रैंक को मिलेगा, रैंक 1 रैंक 2 और रैंक 3 को मिल जाएगा, आप सभी का बैच मिलेगा। इस तरह का तरीका अपनाना है, मैंने बता दिया है, बाकी बार बार दोहराऊंगा नहीं। बाकी आप सभी तैयारी लोगों, मन लगा के तैयारी करो, बढ़िया है, मजे की नौकरी, अपने से मतलब अच्छा लगेगा आपको करने में, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए चलता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।